वेलकम बैक अगेन गाइस। कैसे हो यार आप सभी लोग? होप करता हूं कि आप सभी लोग मस्त होंगे। मैं सुमित लेके आ गया हूं फिर से एक नए मॉड पर वीडियो। सो गाइस, आपने मॉड को तो देख लिया है, आपको पता है कौन सा मॉड है, और जिनको नहीं पता तो मैं बता देता हूं। तो ये है निसान GTR R34 के मॉडल का मॉड का रिव्यू आज हम करेंगे। और आपने इसको फास्ट एंड द फ्यूरियस सेकंड में भी देखा होगा, तो बिल्कुल सेम कॉपी आपको फर्स्ट कॉपी मिलने वाली है यहाँ पर। और अगर मॉड की बात करें तो मॉड बहुत ही प्यारा और बहुत ही ज़बरदस्त है। तो आप देख सकते हो हर चीज़ डिटेल्ड एकदम कॉपी है, एकदम मतलब डिट्टो सेम टू सेम जैसा आपको फास्ट एंड द फ्यूरियस 2 में देखा होगा आपने, वैसे ही आपको यहाँ मिलने वाली है। और अगर मॉड की बात करें तो मॉड बहुत ही बढ़िया है। एंड गाइज, मेरी ये ड्रीम कार है, तो आप देख सकते हो इसे निसान GTR R24, तो बहुत ही बेहतर ये मॉड है। तो गाइज, मॉड के साथ फीचर क्या मिल जाते हैं? पहले से डोर खुल जाएगा, सेकंड से बोनट एंड थर्ड से बूट खुल जाएगा। तो अब हम चलेंगे कार के बाहर और मैं आपको दिखा देता हूँ इसका इंजन। सो गाइस, आप इसका इंजन देख सकते हो, एकदम रियलिस्टिक तो नहीं है, बट जो रियल इंजन इस GTR में आता है बिल्कुल वही इंजन आपको इसमें मिल जाएगा, जो कि बहुत बढ़िया है। लीकेज मारा हुआ है, वो थोड़ा सा ऑयल वगैरह निकल रहा है उससे, बट चलने में कोई दिक्कत नहीं है। इंटीरियर देख सकते हो आप गाइस, इंटीरियर दिखने में काफ़ी सही है। इंटीरियर थोड़ा सा दूसरा है, वो ब्लैक था बट इसका दूसरा है। एंड साइड में आप देख सकते हो इसकी मॉन्स्टर ड्रिंक जो कि रखी हुई है, 3 सिलेंडर, तो इसमें इसकी ड्रिंक आ जाती है जो इसे तबाही मचा देती है उसके बाद, बट वो रियल लाइफ में मचाती है, यहाँ पे नहीं मचाएगी। बट गाइज, मॉड बहुत ही बढ़िया। मैं आ चुका हूँ कार के अंदर और अब हम सो गाइज, अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसे अंदर से। तो आप इसका अंदर से देख सकते हो इंटीरियर जो कि एकदम जो मतलब निसान GTR में आता है इस R34 वाली में, तो वैसे ही आपको मिल जाएगा। स्पोर्ट्स वाला आपको इसमें स्टेयरिंग मिल जाएगा। स्पीडोमीटर की बात करें तो वो भी प्रॉपरली तरीके से वर्क करते हैं, एंड जब लाइट ऑन हो जाती है तो उसके अंदर काफ़ी बढ़िया लगती है। सो गाइस, जब हम कर रहे हैं इसको ड्राइव और आप लुक देख सकते हो, एलॉय व्हील वगैरह भी आपको सेम टू सेम वही एलॉय व्हील मिल जाएंगे जो कि बहुत ही बढ़िया है। तो गाइस, अगर आप ने फास्ट एंड फ्यूरियस में ब्रायन ओ'कॉनर के फैन हो तो ये ज़रूर आपको मॉड बहुत पसंद आने वाला है। और आपको अगर निसान GTR पसंद है तो आपके लिए ही ये मॉड बनाए, तो आपको खूब मज़ा आएगा। मॉड का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर सकते हो। मॉड बिल्कुल फ्री है, कोई भी पासवर्ड की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। डाउनलोड करना और डायरेक्ट प्ले करना इंपोर्ट करके। एंड गाइज, आप देख सकते हो लुक वगैरह, मेरे को एक चीज़ की इसमें अभी ये चीज़ कमी लगी कि इसकी ब्रेकिंग ज़्यादा अच्छी नहीं है, मतलब आप जैसी ब्रेक मारोगे तो थोड़ा सा डिले लेती है रुकने में, जो कि थोड़ा सा ठीक नहीं है मतलब। बट ये कि ओवरऑल ठीक है, आप रुक जाओगे आराम से चलाना तो ठुकेगी नहीं, वरना अगर हाई स्पीड में ब्रेक मारोगे तो रुकेगी नहीं, थोड़ा सा टाइम ले लेगी। एंड गाइज, आप इंडिकेटर वगैरह देख सकते हो, सब कुछ प्रॉपरली तरीके से वर्क कर रहा है और ब्रेक लाइट वगैरह भी प्रॉपरली तरीके से वर्क करती है। तो गाइस, आप इसे रोड पर देख सकते हो, मतलब इसकी रोड प्रेजेंस जो कि बहुत ही प्यारी है। एंड अगर मैं बात करूँ इसकी गाइस इंजन साउंड की, तो आपको इसमें बस वाला इंजन साउंड मिलेगा, क्योंकि मैंने अभी इसमें इंडियन ट्रैफिक मॉड लगा रखा है, तो इस कारण आपको इंजन साउंड दूसरी मिलेगी। बट अगर आपने कोई ट्रैफिक मॉड इस्तेमाल नहीं करा हुआ है तो जब आप इसे अपने उसमें इंपोर्ट करोगे तो आपको दूसरी साउंड इसकी आएगी, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी बढ़िया होगी। तो गाइस, आप देख सकते हो इंटीरियर व्यू काफ़ी बढ़िया था, एंड लुक्स काफ़ी मज़ेदार है और एकदम रियलिस्टिक मॉड आपको मिलने वाला है। सो गाइज, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, या फिर आप मुझे DM कर सकते हो इंस्टाग्राम पर, मेरी इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, तो जाके मुझे वहाँ पे DM भी कर सकते हो और फॉलो भी कर सकते हो, ताकि आपको हर मॉड की अपडेट मिलती रहे। एंड गाइज, अगर आपको कोई दूसरा गेम चाहिए, या फिर आप कोई गेम का रिव्यू करवाना चाहते हो, या फिर आपको कोई अनलिमिटेड मनी मॉड वाला कोई गेम चाहिए, तो आप मुझे तभी भी कमेंट कर सकते हो या फिर DM कर सकते हो, तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। एंड गाइज, अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं या आपके कोई क्वेश्चन है तो आप फ्रीली पूछ सकते हो, जो भी क्वेश्चन है आपका मेरे को कमेंट में। सो गाइस, ओवरऑल अगर मॉड की बात करें तो मॉड बहुत सही है, इसकी ब्रेकिंग में थोड़ा सा इशू है, बट उसके अलावा ये भागने में भी काफ़ी सही है, एंड कंट्रोलिंग भी इसकी बहुत सही है। बट ये कि हाई स्पीड में तो फिसल जाती है, हर गाड़ी फिसल जाती है, ये कोई एक नहीं है, और भी मॉड फिसल जाते हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। सो गाइस, ओवरऑल मॉड काफ़ी सही है, आप डाउनलोड कर सकते हो इसे डिस्क्रिप्शन से, लिंक मैंने इसका डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो जाके डाउनलोड कर लेना। मॉड बिल्कुल फ्री है और खूब मज़ा आने वाला है आपको ये स्काईलाइन चलाने में। सो गाइस, आज की इस वीडियो में इतना ही। होप करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो आपको पता है क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर देना, ताकि आप कोई भी मॉड मिस ना करो। सो गाइस, आज की इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ अगले मॉड एंड अगली वीडियो में।